गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द हमर चैनल आर डी एस ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, कल हमने आपका चैप्टर 11 का एक्सप्लेनेशन कराया था। आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर जो आपका एक्सप्लेनेशन और जो PT2 का थर्ड एंड सिलेबस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आप सभी ने अपना जो PT2 का थर्ड एंड सिलेबस है वो सभी कंप्लीट कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 11 की जो भी एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कराएंगे। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 47। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट जो नंबर है क्वेश्चन आंसर ये हम आपको नोटबुक में कराएंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो एक्सरसाइज देखिए क्या है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ट्रू फॉल्स है, तो हमें क्या करना है, इन पे क्या करना है, सही व गलत का चिन्ह लगाना है। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, सही। विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सही। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, सही। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्थान संबंधी, समय संबंधी, परिमाण संबंधी और रीति संबंधी। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे की एक्सरसाइज। तो आगे है हमारा, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण छाँट कर लिखो। क्रिया विशेषण, रजनी अभी अभी आई है, तो अभी अभी, धीरे धीरे, प्रतिदिन, के भीतर, तेज, ये क्या हो गए, क्रिया विशेषण हो गए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखिए, हमने इनके नीचे अंडरलाइन कर दी, उसके सामने लिख भी दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको इनके सामने फिल करना है। जैसे कि मैंने देखिए फिल कर रखा है, अभी अभी, धीरे धीरे, प्रतिदिन, के भीतर, तेज। स्टूडेंट्स के बाद में आपका नेक्स्ट नंबर है, उदाहरण देखकर निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। यानी ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द हैं, और क्या करना है आपको, इनका जो है क्या करना है, आपको प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे कि तेज, खरगोश तेज दौड़ता है, अब नीलिमा अब घर जाएगी, नीलिमा अब घर जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रिया विशेषण छाँट कर पूरा कीजिए। आपका सामने हेल्पिंग बॉक्स भी दिया हुआ है और इधर FIV भी दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो FIV हैं, माता जी रोने लगी अचानक, फर्स्ट में क्या होगा, अचानक रोने लगी। रानी आइसक्रीम खाती है, रानी आइसक्रीम खाती है, कितनी खाती है, थोड़ी। वह बहुत थक गया, वह कितना थक गया, बहुत थक गया। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, कब करता हूँ, प्रतिदिन मतलब रोज़ स्नान करता हूँ। अब खिलाड़ी अब आने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा, अब स्टूडेंट्स फिर से देख लिए एक बार, फर्स्ट में अचानक, थोड़ी, बहुत, प्रतिदिन, अब, ये आपके 5 हो गए। आपका 5 नंबर में आइए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया और क्रिया विशेषण शब्दों को छाँट कर लिखिए। ये भी आपका होमवर्क है, इसमें क्रिया यानी जो क्रिया हो रही है उसे लिखना, और जो क्रिया की विशेषता शब्द बता रहे हैं उसे लिखना है। गॉट इट एवरीवन? तो ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 11 की। सो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आपको चैप्टर 11 की एक्सरसाइज किस तरह से कंप्लीट करनी है और किस तरह से आपको इसको फिल करना है। आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बताया था, सेकंड वीडियो मैंने आपको PT2 का थर्ड एंड सिलेबस कराया था, और थर्ड वीडियो में हम आज आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं। फोर्थ वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कराएंगे। सो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम वर्क करा रहे हैं आप सभी वैसे वैसे कंप्लीट कर दें, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी और वर्क भी टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।